हरलीन दे दिमाग च आखिर चल की रहा, किते फिर तो यह कुछ गलत करन दा तो नहीं सोच रही? बधाई होवे जी, अगले हफ्ते ब्याह लई शुभ मुहूर्त है। बहुत बहुत मुबारक भैन जी तुहानू। वाह पंडित जी, यह तुसी कमाल दी गल दस। इन्नी खुशी दी गल है, इस खुशी दे मौके ते पंडित जी दा मुंह मिठा कराना तो बनदा ही है। मैं सारे वास्ते मिठाई लेके आनी हूँ। कंग्रेचुलेशंस राजवीर, मुबारका तेनू बहुत बहुत। भैन जी बहुत बहुत बधाई होवे तुहानू। तुहानू भी बीबी जी, ये सब कुछ तुहाडे करके होया है। ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਰਾਜਵੀਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਲੋ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। बस अपने व्याह दी खुशी खुशी तैयारियां कर। हरलीन पुत्र इधर आके मिल इन्हां नूं। बीबी जी, थोड़े करके राजवीर नूं इन्नी चंगी कुड़ी मिली है, मैं बहुत खुश हाँ। उहदे आंदे ही राजवीर नूं चंगी नौकरी मिल गई है, सारे उहनूं इज्जत नाल देखदे ने, मैनूं बहुत चंगा लगदा है। बीबी जी, असीं तुहाडा एहसान जिंदगी भर नहीं भुलावांगे। नहीं नहीं भैन जी, राजवीर वैसे बड़ा चंगा मुंडा है, ते उहदे लई हरलीन जी चंगी कुड़ी ही मिलनी चाहिए सी। तुसी बस विआह दी तैयारियां करो, जे किसी किस्म की भी लोड़ होवे ना तो जरूर दसना। बहुत बहुत वधाइयां होवे राजवीर, आखिरकार तुहाडा ते हरलीन दा विआह पक्का हो ही गया। ये सब कुछ तुहाडे करके होया, जे तुसी ना आउंदे तां इदां दा कुछ भी नहीं होना सी। थैंक यू सो मच। रूप दा फोन, इदा मतलब सरकुन जानती है कि रूप इस वेले कित्थे है? ते जान पुछ के अजिंदा नूं दस नहीं रही। देखा तो सही की गल करते ने। हेलो, हाँ जी रूप दी बोलो। हाँ सरगुन, मैं ना रूटीन चैकअप लई हॉस्पिटल जा रही सी, ते तुहानूं कितना टाइम लगना मैं बस यही पूछने लई फोन किया सी।
जे तुहानूं टाइम लगना ना तां मैं ते हरमन दोनों चले जांदे आ। नहीं नहीं रूपदी, तुसीं हरमन वीर जी दे नाल ना जाइओ प्लीज़, क्योंकि जे जसविंदर दे आदमी ने तुहानूं वीर जी दे नाल वेख लिता तां वीर जी नूं चुक के लै जाणगे, तां फिर असीं कुछ नहीं कर सकांगे। नहीं सरगुन, मेरा हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं अपने बच्चे की सेहत नाल इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ रूपदी, तुसीं ठीक कह रहे हो, सानू बच्चे दे लई रिस्क लेना चाहिए। तुसीं इदां करो, हॉस्पिटल कल्ले चले जाओ। मैं ते युवराज फटाफट उत्थे पहुंचते हाँ। ठीक है सरगुन। पूरी गल तां नहीं समझ आई, पर जिन्ना जरूरी सी उन्ना मैं सुनिया कि शायद रूपदी दी फिर तो प्रेगनेंट ने, ते सरगुन ने यह गल सब तो लुको के रखी है, ते इस गल नू कन्फर्म तां मैं करके रवांगी, ते उस तो बाद हजिंदर सामने सरगुन नू उहदी औकात दिखावांगी। ते हुण इस गल तक जान ली ना, मैनू सरगुन दा परछावा बन के रहना पएगा, जिथे सरगुन जावेगी मैं उत्थे जावांगी, जदों तक इस राज दा पर्दा फाश ना कर देवां। चलो वधिया, अजे सारा काम निपट गया, हुण आपां घर जाके आराम कर सकते हैं। नहीं युवराज, असीं घर नहीं, हॉस्पिटल जाना है। सरगुन जी, हॉस्पिटल क्यों जाना आपां? ओ सब मैं तैनूं ना रस्ते विच दसांगी, फिलहाल जल्दी चल। राजवीर, कि तुसीं सानूं हॉस्पिटल लै जाओगे, उत्थे साडा कोई वेट कर रहा है, ते सानूं ड्रॉप करके तुसीं वापस आ जाना। भाभी जी, की असीं मम्मी नूं बस स्टैंड ड्रॉप करके हॉस्पिटल जा सकदे हां? हाँ जी हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। ठीक है, चल युवराज। चलो करके मैनूं पता करना ही पैना है कि रूपकी ते फिर तो प्रेगनेंट ता नहीं, जे इदा है ता इन्नी वड्डी गल हजिंदर नूं सरगुन दस क्यों नहीं रही? ऑटो ए ता रूप है, हुणे सर नूं कॉल करके दसदा हां। हाँ बोल सर, रूप मेरे सामने ही है। वो किते जान ली ऑटो लग रही है, तुसी दसो की करना है? तुसी ओदा पिछा करो, तुसी सही मौके दा इंतजार करो, जदों ओदे आसपास कोई ना होवे ते ओनू चुक के सीधा मेरे कोल लेके आओ। भावे हरमन अपनी मां बिमला दे कहण ते घर ना आया होवे, पर अपनी वोटी नूं छुड़ाउण वास्ते जरूर आवेगा। ठीक है सर। ऑटो रुको। चल भाई ऑटो ते मगर ला ले। We'll be right back.
ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। रूपदीप चलो अंदर। इतने दस और गुण के नाल ही राज भी है। ये मौका सही नहीं है। मैं इस टाइम कुछ नहीं कर सकता। ते हॉस्पिटल के बाहर सीसीटीवी भी तो लग गया है। रूप नू किडनैप सरगुण दे करो ही करना पड़ेगा। आसे पासे तक कोई भी नहीं है। मैम तुहानू डॉक्टर अंदर बुला रहे ने। रूपदीप तुसी इदा करो, तुसी कल्ले जाके डॉक्टर नाल गल कर लो, असी इत्थे वेट करदे आ। इन्होंने रूप नू अंदर भेज दिता है ते आप बाहर रुके। आखिर गल की है? इन्हें मैनू कुछ नहीं दसना, पर जब तक यह गल मैं कन्फर्म नहीं कर लेंदी उदो तक मैं आंटी जी नू दसांगी कि रूप दीदी प्रेगनेंट ने, क्योंकि जे यह गल झूठ निकली तो इस बार आंटी जी मैनू जानों मार देंगे। सब ठीक है ना? सब नॉर्मल है। मैं रूप का चेकअप करने तो बाद थोड़ी देर ये गलबात की एंड आई रियलाइज यदि फिजिकल हेल्थ तो ठीक है ही, पर यदि मैंटल हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। ये देख के मैं खुश भी हाँ तो सरप्राइज भी। पता नहीं सब किमें होया, बट शी इज फाइन नाउ। ये सब मेरी वोटी सरगुन जी करके होया। हुण रूप दीदी हरमन जी जू नाल मेरे सोरे घर रह रहे ने। ते ऐजी सिचुएशन च हसबेंड वाइफ नाल रहेगा तो वाइफ तो खुश रहेगी, उत्तों मेरी सस ते सरगुन जी वर्गे लोग उन्हां नाल रहणगे तो बंदा तो वैसे ही ठीक हो जांदा है। तुसी बिल्कुल सही किया युवराज जी। सरगुन तू रूप ते हरमन इक पॉजिटिव माहौल प्रोवाइड करवा के सब तो वधिया काम किया। इस नाल मां ते बच्चे दोनों की हेल्थ सही रहेगी। ओके देन पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, आई हैव टू गो नाउ। ए की गल कर रहे ने, इन्हें दूरों का कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। एक मिनट क्यों है सरगुन जी? ओ वेखो लड्डू गोपाल जी। Thank you.
ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਹਲੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਰੂਪ ਦੀ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਰੂਪਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਰਗਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ ਰੂਪਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹਰਲੀਨ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਹੈਲੋ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਜਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ
सरगुन जी कितने थी तुसी? राजवीर कितनी देर था अपनी वेट कर रहे हैं? तो फिकर ना करे युवराज, मैं राजवीर नू पहले ही करे भेज सकता सी। पर क्यों? क्योंकि असी मम्मी जी दे बर्थडे दी शॉपिंग वास्ते बाहर जाने, ते शॉपिंग करन तो बाद ही असी करे जावांगे। ते मैनू लग्या कि किते बीबी जी नू कोई काम ना पै जाए, इस करके मैं राजवीर नू करे भेज सकता। चंगा ठीक है, जिदा तुहानू सही लगे। दीदी चलिए आपां। अपने आप नू बड़ी शातिर समझदी है ना हरलीन, हुण तू देखदी जा।